तेलंगाना के मनुगुड़ असेंबली हलके के जमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। इस नशिस्त का जमनी इंतखाब कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के सबब लाजमी हो गया है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। असमत रेजी कत्ल और अगवा में तेलंगाना सर फहरिस्त, शर्मिला का बयान। शर्मिला ने खुदकशी करने वाले किसानों के खानदानों से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने इन किसानों के खानदानों को पुरसा देते हुए इनमें हौसला पैदा करने की कोशिश की। तेलुगु पार्टी जल्द ही कौमी सियासत में तारीख रकम करेगी, केटीआर का बयान। उन्होंने मुल्क भर में तेलुगु फिल्मों की जानिब से रिकॉर्ड बनाए जाने के रुझान का हवाला देते हुए कहा कि अवाम को चाहिए कि वो ऐसी कोशिशों के लिए ताउन करे। राहुल गांधी ने बारिश में भी खिताब किया। राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक का ये यात्रा किसी वजह से नहीं रुकेगी, और उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया कि वो दूर दराज से आए और बारिश में खड़े होकर इनकी बातें सुनी। मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहेंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कौमी तर्जुमान क्लाइड क्रास्टू ने इतवार के रोज कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत का ये फरमान कि मुलाजमीन जब भी फोन कॉल का जवाब दे तो नमस्ते के बजाय वंदे मातरम कहें, ये बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी है। मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक हुई खराब, आईसीयू में जेर इलाज। सीनियर कांग्रेस कायद एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि टीआरएस क्यादत बाबा कौम महात्मा गांधी की तौहीन कर रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म होता है।